शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वह उन्नाव पीड़िता से मिलने आई है। उन्होंने कहा कि जो उन्नाव की बेटी के साथ हुआ है वह जघन्य अपराध है। महिला आयोग की तरफ से इन्होंने आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग की है। महिला आयोग के उपाध्यक्ष ने यूपी पुलिस के आला अधिकारियों से बात किया, जिसमें उनको बताया गया कि पीड़िता को एयर एम्बुलेंस के द्वारा दिल्ली के सफदरजंग लाया जाएगा। एम्बुलेंस में पीड़िता के अलावा उनके भाई भी है। देखिए, कल हमारे महिला आयोग की तरफ से माह के प्रथम बुधवार और तृतीय बुधवार को जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा जाता है, तो इसके तहत हम बागपत में थे। जब ये सूचना मिली तो कल हमारा प्रोग्राम लगा हुआ है उन्नाव जाने का, पीड़िता के परिवार से मिलने का। इसी बीच में हॉस्पिटल से हम लोग पता करते जा रहे थे, फिर सूचना अपडेट ये हुई कि दिल्ली में सफदरजंग में लगभग 6:30 बजे के करीब आएंगे, क्योंकि मेरा लोकेशन इस समय नोएडा था, तो मैंने फटाफट यहाँ आने का सोचा और आके अपने सामने क्या परिस्थिति है उसको जानने की कोशिश की है। अभी पीड़िता यहाँ पे पहुँची नहीं है, तो किसी से मुलाकात हुई नहीं है, तो एक बार अभी मिलना होगा डॉक्टर से और तब पूरा हाल जान पता चलेगा।